बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जस्ट हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। एक्चुअली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, एहसास है, एहसास जिम्मेदारी है। और एहसास जिम्मेदारी एक्चुअली है क्या? एहसास जिम्मेदारी असल में अपने हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म होना, अपने हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में जानना ही एहसास ज़िम्मेदारी है कि मेरे हकूक़ क्या हैं और मेरी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। उन पर पूरा पूरा उतरना और सही सही अमल करना ही एहसास ज़िम्मेदारी है। एहसास ज़िम्मेदारी इंसान को कामिल इंसान बनाती है। जब इंसान के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाती है तो ज़िंदगी का हर अमल कामिल, हर बात नफीस और हर कदम नज़ाकत से उठता है। इंसान के कौल और फेल में मिठास पैदा होती है। इंसान एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से कभी भी झूठ नहीं बोलता और कभी भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करता। इस एहसास की वजह से तो बड़े और ना ही छोटे इंसान की तरफ से तकालीफ उठाते हैं और ना ही ज़ीरो उससे परेशान होते हैं। इंसान की इबादत में भी फ़र्क पड़ता है और तमाम के तमाम सलीके से और नहायत नफासत और नज़ाकत से सरंजाम दिए जाते हैं। और देखा जाता है कि ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाता है। उसके साथ साथ इंसान के कामों में बड़ी नफासत, बड़ी नज़ाकत और बड़ा मीठापन वक़ूअ पज़ीर होता है। ये एहसास ज़िम्मेदारी ही है जिसके बारे में हेलन केलर ने अपने एक मज़मून में कहा कि क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी ऑफ योर डीड so you will succeed in your life, not only in this life but also the world hereafter, because of this man create or produce sweetness in every of his deeds, every of his actions. And when man uses this sense of responsibility, he brings slight mellowness and meekness in his action. This meekness, this sweetness, this mellowness in his actions make him a successful person. If we see that there is found a sense of responsibility in every of your action, there will be a success for the person who is acting upon this sense of responsibility. Thank you very much. Thank you very much to listen.